स्टूडेंट आई होप यू आर डूइंग वेल मेरा नाम है नीशू और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ओमकार लर्निंग प्लेटफॉर्म में आज का हमारा टॉपिक है डेट इज़ द रेड एलगी इस वीडियो में हम रेड एल के करेक्टरिस्टिक्स फीचर के बारे में पढ़ेंगे इससे पहले वाली वीडियो में हम ब्राउन एल के करेक्टरिस्टिक्स फीचर के बारे में पढ़ चुके हैं तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ में नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट स्टार्ट रेड एल सबसे पहले बात करते हैं कि रेड एल किस क्लास के अंडर आती है तो रेड एल की जो क्लास होती है वो होती है रोहोडो रेड एल के जितने भी मेम्बर होते हैं वो रोहडो क्लास के अंडर आते हैं इसके अलावा दे आर मोस्टली मेराइन इन वोम एरिया अकर इन बोथ वेल लाइट रीजन क्लोज टू द सर्फेस ऑफ वॉटर एंड एट ग्रेट डेप्थ इन अशियन वेयर रिलेटिवली लिटल लाइट पेनीट्रेट सो बेसिकली जो मेम्बर होते हैं वो मोस्टली मेराइन वोटर होते हैं इसके अलावा वो दो टाइप के हैबिटेट में रहते हैं एक होता है वेल लाइट एरिया और दूसरा है जहाँ पर वेरी लिटल लाइट की प्रेजेंस होती है तो एक होती है जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है जहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और एक होती है डेप्थ में अशियन के जहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा लो होती है उसके अलावा रेड एलगी आर ऑटोट्रॉफ़ी रेड एल के जितने भी मेंबर होते हैं वो सभी के सभी ऑटोट्रोफिक नेचर को शो करते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस को करने के लिए कैपेबल होते हैं इसी वजह से इनको ऑटोट्रोफिक बोला जाता है नेक्स्ट पॉइंट इज मोटाइल और फ्लैजिलेट स्टेज इज अपसेंट थ्रू आउट द लाइफ साइकिल इसका ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाता है कि रेड एल की लाइफ साइकिल के अंदर कहीं भी मोटाइल और फ्लैजिलेटेड स्टेज प्रेजेंट नहीं होती Next is the plant body varies from unicellular, example porphyridium, filamentous, that is the astrocystis, parenchymatous sheet, that is the porphyrin. रिबन लाइक -like होती है डेट इज द देंस में और टू ग्रेसफुल लेस लाइक होती है सी जिसको गैलीडियम बोला जाता है सो so, यहाँ पर इस पॉइंट में बात की गई है कि जो रेड एल्गी के मेंबर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं वो यूनिसेलुलर हो चाहे फिर फिलामेंटस हो चाहे पैरनकाइमेटस शीट हो और चाहे लेस लाइक सी के सी लाइक प्रेजेंट प्रेजेंट होते हैं सो नेक्स्ट पॉइंट इज सेलवोल प्रोसेस सेलुलोज पैक्टिक कंपाउंड एंड सल्फेटेड पोलिसक्राइड कार फाइकोकोलोइड्स यहाँ पर जो सेलुलोज सॉरी जो सेलवोल बनी होती है वो सेलुलोज पैक्टिक कंपाउंड उसके साथ ही सल्फेटेड पोलीसेक्राइड कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं जिसको एक साथ फाइकोकोलोइड्स बोला जाता है द इम्पोर्टेंट फाइकोकोलोइड्स ऑफ रोडोफाइट्स आर अगार एंड कैराजेिन जो इम्पोर्टेंट फाइकोकोलोइड्स सेलोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो है अगार और कैराजेनिन अगार का जो बेसिकली काम होता है वो न्यूट्रिएंट मीडिया को सोलिडिफाई करने का काम होता है इसके अलावा द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनली आर कोल्ड फाइट क्रोमैटोफोर जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनली होती है मींस जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है उस ऑर्गेनली को फो, क्रोमैटोफोर बोला जाता है दे हैव अनस्टैग्ड और सिंकल सिंगल थैलाकोइड या तो ये क्या होती है अनस्टैक्ड फॉर्म में होती है और सिंगल थैलाकोइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसके अलावा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इंक्लूड क्लोरोफिल ए डी कैरटिनॉइड्स एंड फाइकोबिलीस इसके अलावा यहाँ पर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं वो है क्लोरोफिल ए और डी जो रिएक्शन सेंटर की तरह काम करते हैं इसके अलावा कैरोटिनोइड्स भी प्रेजेंट होते हैं और फाइकोबिलींस भी प्रेजेंट होते हैं फाइकोबिलीस आगे दो टाइप के होते हैं डेट इज़ द फाइको एंड फाइकोसाइनिन आर फाइक्रो आर्थरीन की वजह से ही जो रेड कलर होता है रेड एल्गी का वो होता है नेक्स्ट पॉइंट इज फाइकोबिलिन आर वाटर सोल्यूबल पिगमेंट नेमली रेड कलर फाइकोआर्थरीन जो फाइकोबिलिन होता है वो वाटर सोल्यूबल पिगमेंट होता है नेमली रेड कलर फाइकोआर्थरीन होता है मींस कि रेड कलर किसकी वजह से होता है फाइकोआर्थरीन की वजह से होता है और जो ब्लू कलर पिगमेंट होता है वो है वो है फाइकोसाइनिन एंड एलो फाइकोसायनिन इसके अलावा रिजर्व फूड मटेरियल इज़ फ्लोरिडियन स्टार्च होता है यहाँ पर जो रिज़र्व फूड मटेरियल की तरह प्रेजेंट है वो है फ्लोरिडियन स्टार्च अनदर सोलुबल शुगर फ्लोरिडियन इज आल्सो प्रेजेंट इसके अलावा यहाँ पर अदर फ्लोरिडियो सॉरी फ्लोरिडो साइड भी प्रेजेंट होते हैं एज ए रिजर्व फूड मटीरियल इसके अलावा द रेड कलर ऑफ रेड एल्गी इज़ ड्यू टू अबेंडेंट फॉर्मेशन ऑफ फाइको आर्थरीन रेड कलर ऑफ रेड एलगी फाइको आर्थरीन पिगमेंट की वजह से प्रेजेंट होता है फाइको आर्थरीन इज एबल टू एब्जॉर्ब ब्लू ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट इसके अलावा फाइको आर्थरीन कैपेबल होती है ब्लू और ग्रीन वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट इज बीन शोटर दीज वेव लेंथ आर केपर एबल टू रीच द मैक्सिमम डेप्थ इन वोटर क्योंकि इनकी शोटर वेव लेंथ होती है यही कारण है कि ये डेप्थ में भी पेनिट्रेट कर सकती हैं देयर फॉर रेड एलगी रीच द मैक्सिमम डेप्थ इन सी इस यही कारण है कि जो रेड एलगी है वो मैक्सिमम डेप्थ में भी ग्रो कर सकती है जहाँ पर कोई दूसरा फोटो सिंथेटिक और सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म और्ग, ग्रो नहीं कर सकता इसके अलावा हाउ एवर रोडोफाइट्स लिविंग इन शेलोअर वाटर डू नॉट अपेयर रेडिश ड्यू टू लेसर सिंथेसिस ऑफ फाइको इसके अलावा रोडोफाइट्स ही रोडोफाइट्स के ऐसे मेंबर जो डेप्थ में ना प्रेजेंट होकर शेलो वाटर में प्रेजेंट होते हैं मतलब कि जहाँ जो इतनी डेप्थ में प्रेजेंट नहीं होते या जो सरफेस में प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर रेडिश कलर दिखाई नहीं देता क्योंकि वहाँ पर या उन ऑर्गेनिज्म के अंदर फाइको जो पिगमेंट है उसकी सिंथेसिस इतनी ज़्यादा नहीं होती इसके अलावा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर बाय फ्रेगमेंटेशन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है ये मेंबर अनफेवरेबल कंडीशन में छोटे छोटे फ्रेगमेंट में ब्रेक डाउन हो जाते हैं फिर यही छोटे छोटे फ्रेगमेंट फेवरेबल कंडीशन में एक फुली प्लांट बॉडी में डिवलप हो जाते हैं इसके अलावा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू ए वेराइटी ऑफ नॉन मोटाइल स्पोर्स इसके अलावा क्योंकि रेड एलगी के या रोडो वाइट के जितने भी मेंबर होते हैं उनकी ये करैक्टरिस्टिक्स फीचर होती है कि उनके अंदर कोई भी मोटाइल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती यही कारण है कि इसकी जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो भी नॉन मोटाइल स्पोर के थ्रू होती है जैसे कि न्यूट्रल स्पोर्स मोनोस्पोर्स टेट्रास्पोर्स और कार्पोस्पोर्स इसके अलावा अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ हाइली एडवांस होती है एंड ओ गैमस होती है हाईली एडवांस होती है और उगैमस टाइप होती है मींस यहाँ पर जो मेल गैमिट होता है वो आकर फीमेल गैमिट को फ्यूज़ करता है इट अकम्पेड बाई कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज जो आगे चलकर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज करते हैं इसके अलावा जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको स्पर्मेटिजियम बोला जाता है या फिर एंथ्रीडियम भी बोला जाता है इसी के अलावा इट प्रोड्यूस नॉन फ्लैजिलेटेड मेल कार्पोगोनियम प्रोसेस एंड इलोंगेट रिसेप्टिव नेक लाइक ट्राइकोगाइनीम इसके अलावा जो फीमेल स्ट्रक्चर होता है उसको कार्पोगोनियम बोला जाता है जो जिसके पास एक लाइक स्ट्रक्चर -like होता है जिसको ट्राइकोगाइनी बोला जाता है इसी ट्राइकोगैनी की हेल्प से ये नॉन फ्लैजिलेटेड मेल ऑर्गेनिज्म को या मेल गैमिट्स को क्या करते हैं पकड़ते हैं द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज फ्लास्क शेप एंड इजम कार्पोगोनियम जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको कार्पोगोनियम बोला जाता है कार्पोगियम प्रोसेस एंड इलोंगेटेड नेक लाइक ट्राइकोगानी कार्पोगाइनी के पास एक इलोंगेटेड नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको ट्राइकोगाइनी बोला जाता है स्पर्मेटिया आर कैरिड बाय वोटर करंट टू ट्राइकोगानी टिप्स फॉर इफेक्टिंग फर्टिलाइजेशन जो स्पर्मेटिया है मींस कि जो मेल गैमिट्स है वो फीमेल के पास वोटर करंट के थ्रू आता है वो ट्राइकोगानी जो फीमेल गैमिट्स का एक नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके पास आकर अगर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ाता है सो so, ये थे कुछ करेक्टरिस्टिक्स फीचर रेड एलगी के इसके अलावा हम ब्रायोफाइट्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे तब तक के लिए कीप लर्निंग